सफारत खाना पाकिस्तान ओस्लो में यौम पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन और हजरात ने शिरकत की। अकील कादिर की रिपोर्ट देखिए। यौम पाकिस्तान की एक सादा और मुख्तसर तकरीब का इनेकाद सफारत खाना पाकिस्तान में किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनों हजरात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज इनामुल हक सेठी ने तिलावत कुरान पाक से किया। सफारत खाना पाकिस्तान के साकिब निसार ने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा और यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश की। नाजम अलामूर डॉक्टर राबेल मुस्तफ़ा सोमरों ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ और साकिब निसार ने सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी के यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए। यौम पाकिस्तान 23 मार्च 2024 के मौके पर वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। मैं अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। 23 मार्च हमारी तारीख का एक अहम दिन है। 1940 में इसी दिन बरे सगीर पाक और हिंद के मुसलमानों ने तारीखी करारदाद लाहौर के जरिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया, जहां वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजार सकें। तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं के अनथक मुसलसल सियासी जदोजहद से जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के लिए मिसाली कुर्बानियाँ दी। लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान में अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान हिजरत करने का फैसला किया। नई रियासत को बेपनाह चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें समाजी इक्तिसादी ढांचे और रियासती इदारों की तश्कील और महाजरीन की आबादकारी शामिल थी। आसिफ अली जरदारी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान 23 मार्च 2024 के मौके पर पैगाम। मैं यौम पाकिस्तान के पुरमसरत मौके पर आप सबके लिए एक ख्वाहिशात का इजहार और दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम तारीखी करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी की याद मना रहे हैं, जब 23 मार्च 1940 को हमारी अजीज कौम और एक आज़ाद वतन की तामीर की बुनियाद रखी गई। आइए आज हम अपने गुज़िश्ता सफर पर गौर करें, अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं और एक खुशहाल और मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए अपने अज़्म का इआदा करें। आज अगर हम तारीख के अफराक पर नजर डालें तो हमारे आबाओ अजदाद के विजन और अज़्म की याद ताज़ा होती है। 1940 की करारदाद पाकिस्तान हमारी तारीख में एक अहम पौर की हैसियत रखती है। इस करारदाद से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क्याम का रास्ता हमवार हुआ। तकरीब में जिन अहम शख्सियात ने शिरकत की, उनमें शेख तारिक महमूद, चौधरी जहांगीर नवाज, चौधरी इस्माइल सरवर भटिया, चौधरी वसीम शाहजाद, राजा आशिक हुसैन, बुजुर्ग रहनुमा नजीर खालिद भट्ट, खालिद महमूद, रफाकत अली, अब्बास महर, चौधरी कमर इकबाल, आफ्ताब वड़ाइच और दीगर शामिल हैं। इनामुल हक सेठी ने पाकिस्तान की सलामती और तहफ्फुज़ के लिए खसूसी दुआ कराई। अकील कादिर, दुनिया न्यूज़, ओस्लो, नॉर्वे।